नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का लास्ट चैप्टर, जिसका पहले नाम था रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये नाम था पहले, ये नाम आपकी किताब में होगा, बट इसका अब नाम क्या है? इसका नया नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है इसका? इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। आपकी किताब में बेटा, आपकी 12th पॉलिटिकल साइंस की बेटा बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के अलावा आपको दो और टॉपिक पढ़ने हैं, जिनका नाम है एनडीए थर्ड एंड फोर्थ एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। एनडीए आप सभी जानते हैं, यहाँ पे बीजेपी की बात हो रही है। एनडीए जो है वो बीजेपी द्वारा बनाया गया एक अलायंस है, और इसका आपको थर्ड और फोर्थ टेन्योर पढ़ना है, यानी कि सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी, घर घर मोदी वाली बातें आपको यहाँ पढ़नी है। तो ये सब चैप्टर्स में आपका नया टॉपिक आपको ऐड कर दिया गया है, ठीक है बच्चों? चलो बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में, जब टॉपिक से रिलेट होगा आपके। हम लोग चैप्टर को आप शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो बिगनिंग से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ सकता है, और उसका नाम क्या, क्वेश्चन का नाम है आपका फाइव डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में पांच बड़े बदलाव, या पांच चेंजेस बोल लो, बदलाव बोल लो, डेवलपमेंट बोल लो, उथल पुथल बोल लो, मतलब बहुत। ये जो आपके 2-3 साल थे, यानी कि 1980s का एंड और 1990s की जो थी बेटा उसके बिगिनिंग, तो ये 2 से 3 साल ना बहुत खतरनाक थे इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी आपके यहाँ पे बढ़ गई थी, ठीक है। फाइव डेवलपमेंट्स की बात करनी है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो क्या आता है आपका, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कंफ्यूज मत होना, इट्स नॉट एंड ऑफ कांग्रेस, इट्स एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली का अंत। क्यों कहा गया ऐसा, क्या हुआ था एक्चुअली? एक्चुअली हुआ ये था कि 1984 में जो इलेक्शंस हुए थे, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में 84 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की 415 सीट्स मिली थी। कितनी मिली थी? 415 सीट्स मिली कांग्रेस को 1984 में। लेकिन 1989 में कांग्रेस सिर्फ 197 सीट्स पर सिमट के रह गई, सिर्फ 197 सीट्स। अब आप खुद देखो कि जो कांग्रेस पहले मोर देन लाइक मेजॉरिटी सीट्स लेके आ रही है, वो पार्टी इस बार मतलब मेजॉरिटी भी क्लियर नहीं कर पाई। तो जो ऑब्जर्वर्स थे उस समय के, जो एनालिटिक्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इस चीज़ को देख के, इस डिफरेंस को देख के क्या बोला कि ये भाई कांग्रेस सिस्टम का एंड हो रहा है। हालांकि 1991 में कांग्रेस ने काफ़ी इम्प्रूव किया अपने आप को, और कांग्रेस ने कमबैक भी किया था। कमबैक मींस कि 91 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या बोला कि भाई इट्स द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, दैट्स इट। सो इट्स योर पॉइंट नंबर 1, दैट इज एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। पॉइंट नंबर 2, मंडल इशू। कौन सा बच्चों आपका पॉइंट ये? मंडल इशू 1990, कांग्रेस हारी, कांग्रेस यहाँ पे हारी है, बट डज नॉट मीन कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिली थी। हुआ क्या था, कांग्रेस के हारने के बाद क्या हुआ था आपका, कांग्रेस के हारने के बाद में हुआ ये था आपका कि, एक मिनट बच्चों, कांग्रेस के हारने के बाद में एक अलायंस फॉर्म हुआ था आपका, ठीक है, जिसका नाम था नेशनल फ्रंट। नाम का एक अलायंस फॉर्म हुआ था, जिसको सपोर्ट किसने, जिसको बड़ा सपोर्ट दिया था आपका भारतीय जनता पार्टी ने और लेफ्ट ने, ठीक है। तो इन दोनों के सपोर्ट से नेशनल फ्रंट नाम का एक अलायंस फॉर्म होता है, और इस अलायंस में वीपी सिंह को देश का पीएम बना दिया जाता है, ठीक है। जब वीपी सिंह देश का पीएम बनते हैं, तो वो 1990 में उन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दी। अब सवाल आता है कि ये मंडल कमीशन की
रिकमेंडेशंस क्या थी। तो इन्होंने एक लॉ पास करा दिया, इन्होंने एक ऐसा लॉ पास करा जिसमें बेटा साफ साफ बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स क्या होंगी, जॉब्स होंगी रिजर्व किसके लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है ना। वीपी सिंह ने एक नया, वीपी सिंह ने क्या किया, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि वीपी सिंह ने बोला कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी के लिए जॉब्स क्या होंगी, रिजर्व होंगी। अब जब ये फैसला आता है तो भैया मंडल कमीशन के सपोर्टर्स और मंडल कमीशन के हेटर्स के बीच में क्या हो गया, हेटर्स मतलब यू कैन से कि जो मंडल कमीशन के जो खिलाफ थे, जो एंटी थे, जो उन जिनको पसंद था फैसला ये, उनके बीच में ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट हो गए, ठीक है। मतलब काफ़ी दिक्कतें हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, तो मंडल इशू के कुछ सपोर्टर्स और उनके जो खिलाफ थे उनके बीच में क्लैश हुए, इसी को बेटा बोल जाता है आपका, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बेटा हम लोग बोलते हैं मंडल इशू 1990 का सीन आपका, ठीक है। सो दो हम लोगों ने बेटा डेवलपमेंट्स पढ़ चुके हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ये इको वाले बच्चे जानते होंगे बेटा ये क्या सीन था। देखो 1991 के अंदर भारत की जो इकोनॉमिकली कंडीशन थी काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी मतलब जजरा गई थी, मतलब जर्जर थी, मतलब काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स होने थी। तो राजीव गांधी की लीडरशिप में, राजीव गांधी की लीडरशिप में भारत ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एडॉप्ट किया था। क्या भारत ने बेटा जो है वो आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है वो आपको अडॉप्ट किया था। इन्हीं को बेटा हम लोग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, इन्हीं को बेटा हम लोग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, और इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं नई आर्थिक नीतियाँ। अब इनको अगर मैं शॉर्ट बताऊँ बेटा आपको, इन शॉर्ट बेटा इसको हम लोग LPG का नाम भी दे सकते हैं। LPG मीन्स लिबरल प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये बेटा हम लोगों ने जो है वो 1991 में अडॉप्ट किए थे आपके ये, ठीक है। तो ये बेटा हमारे 3 हो चुके हैं चेंजेस। बेटा पॉइंट नंबर 4, अयोध्या इशू। अयोध्या इशू जो है इसके ऊपर बेटा इसी चैप्टर के अंदर एक अलग से टॉपिक है जो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। बाबरी मस्जिद को बेटा गिराया इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा हिंदू बिलीव करते हैं, और एक्चुअल में ऐसा है भी कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद आपकी बनाई गई थी वहाँ पे राम जन्मभूमि थी, ठीक है। तो ये बहुत इलैबोरेट तो बेटा आपका टॉपिक है, मतलब जो हमको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा, तो इसके बेटा अलग से हम लोग वीडियो पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में। तो अभी बस इतना पढ़ लो कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को बेटा गिराया गया था, और इसी के साथ में यहीं से बेटा राइज हुआ था BJP पार्टी का, और उनकी जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की उसका बेटा यहीं से आपका राइज हुआ था आपका ये, ठीक है। तो 4 बेटा हम लोग जो है वो डेवलपमेंट्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आती है असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी तमिलनाडु जाते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, वहाँ पे राजीव गांधी को एक तमिलियन, तमिलनाडु में एक तमिलियन आपका LTTE का मेंबर, लिट्टे का मेंबर उनकी हत्या कर देता है, और उनकी हत्या करने के बाद ही कांग्रेस में देर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप, यानी कि उनकी हत्या के बाद कांग्रेस जो है वो नरसिम्हा राव को जो है वो आपका कंट्री का नेक्स्ट PM जो है वो बनाती है आपका ये, ठीक है। तो बच्चों ये 5 जो पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने कि एंड ऑफ कांग्रेस, मंडल इशू, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अयोध्या इशू एंड असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो चुका है हमारा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज आया। हाँ जी बच्चों, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरा ऑफ कॉलिशंस। ये जो टॉपिक है यहाँ से बेटा आपकी कहानी शुरू होगी, और ये कहानी जो है, ये जो टॉपिक है बेटा आपकी बुक में भले ही कम दिया हो, ठीक है, हम इस टॉपिक को अब कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 1989 से लेके 2019 तक।
क्योंकि जो NDA थर्ड और फोर्थ ऐड हुआ है इस साल, जो ऐड किया है CBSE ने, उसको हम लोग एक अलग वीडियो के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन वो वीडियो को, उस टॉपिक को आप इसी टॉपिक के रेफरेंस में ऐड कीजिएगा। सो टॉपिक है आपका एरा ऑफ कॉलिशन। अगर हम लोग 1989 की बात करते हैं तो हम बच्चों यहाँ देखते हैं कि किसी भी, यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है, और उस नई कहानी के बेटा काम नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी यहाँ पे आते हैं बाद में, तो पहले हम देखते हैं कि 1989 में जब कांग्रेस के पास सिर्फ 197 सीट्स थी, तो कांग्रेस के पास सरकार तो बनने की सीटें तो है नहीं, उसके पास तो मेजॉरिटी है ही नहीं, तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि उसने फैसला किया कि मैं जो है ना, मैं बैठूंगी अपोजिशन में, मतलब मैं विपक्ष में बैठूंगी। लेकिन कांग्रेस की इस हार का मतलब ये नहीं था कि कोई दूसरी पार्टी टॉप पर आ गई थी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 272 का आंकड़ा नहीं मिला था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। और हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक नेशनल फ्रंट नाम से अलायंस बनाया गया। इस फ्रंट को जो है जनता दल जो है वो लेड कर रही थी, और बहुत सी रीजनल पार्टीज भी थी इस नेशनल फ्रंट के अलायंस में, ठीक है। हालांकि इस फ्रंट के पास भी नहीं थी, क्या नहीं थी, इसके पास भी नहीं थी मेजॉरिटी सरकार फॉर्म करने की, तो इसीलिए इसको फायदा मिला किसका, इसको सपोर्ट मिला किसका, बीजेपी का और लेफ्ट का। बीजेपी और लेफ्ट ने अपनी अपनी सीटें देके इसको अपना सपोर्ट दिया ताकि ये लोग जो है वो सरकार बना सकें। आई रिपीट अगेन, नेशनल फ्रंट के पास में सीटों की मेजॉरिटी नहीं थी, ये एक तरीके से अलायंस था, तो सरकार बनाने के लिए इनको बीजेपी और लेफ्ट का सपोर्ट लेना पड़ा। बीजेपी और लेफ्ट ने सिर्फ सरकार बनाने के लिए इनको सपोर्ट किया था, और सबसे जो बड़ा था रीज़न बीजेपी का इस अलायंस को सपोर्ट करना, वो क्या था? वो था कि इसको सपोर्ट करने से कांग्रेस बाहर रही, यानी कि कांग्रेस जो वो सरकार नहीं बना पाएगी। तो भाजपा, भले ही भाजपा के पास उस समय 85 सीट्स थी, तो ये तो कहीं पे स्टैंड नहीं कर रही थी भाजपा जो है वो, कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही थी। तो भाजपा ने बोला कि अगर सरकार हमारी नहीं बन रही है तो हम कांग्रेस की सरकार को क्यों बनने थे। इसलिए भैया भाजपा ने और लेफ्ट ने नेशनल फ्रंट को सपोर्ट किया। इसके पीएम कौन बने थे? वीपी सिंह इस टाइम पे आपके जो है वो पीएम बने थे हमारी कंट्री के, ठीक है बच्चों। तो ये एक टॉपिक है बेटा आपका एरा ऑफ कॉलिशंस में, फर्स्ट टॉपिक नेशनल फ्रंट वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का डूबना ये पहली बार था, आप सभी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें 1967 की इलेक्शंस की, यहाँ पर भी कांग्रेस 9 स्टेट्स में हार गई थी, कांग्रेस को लोकसभा में बहुत कम सीटें मिली थी। तो लेकिन 1971 में कांग्रेस ने दोबारा से कमबैक कर लिया था, और तब से लेके 1984 तक कांग्रेस सब कुछ डोमिनेंस अपना चला रही थी। बट हुआ क्या था, यहाँ पे मामला अलग था। यहाँ पे भले ही कांग्रेस हार गई थी, लेकिन यहाँ तो टॉपिक है बेटा, वो ये कह रहा है बेटा आपका एंड ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस, जो एक रीत थी, क्योंकि यहाँ पे तो इंदिरा गांधी ने दोबारा से रिकवरी कर ली थी। यहाँ पे रिकवरी के चांस कम इसलिए थे क्योंकि एक तो अब सिंगल पार्टी का डोमिनेंस खत्म हो रहा था, प्लस मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया, यानी कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो हैं वो एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रही थी। किस चीज़ में? हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारी जो है वो नई नई कंट्रीज आपकी आ गई थी, ठीक है। तो इसके आने से और इसके खत्म होने को बेटा हम लोग सिंप्लाइन कैसे करते हैं, हम सेवा करते हैं बेटा डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, यानी कि बेटा कांग्रेस अब यहाँ से खत्म होनी शुरू हो गई थी। और ये सच बात भी है क्योंकि 1989 के बाद कांग्रेस के सिस्टम में, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में काफ़ी जो है बेटा वो आपकी गिरावट आई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है बेटा, वो आपका आता है अलायंस पॉलिटिक्स। अब सवाल आता है कि व्हाट इज अलायंस पॉलिटिक्स? आपने पढ़ लिया मल्टी पार्टी का बिगिनिंग हो गई थी, आपने पढ़ लिया सिंगल पार्टी डोमिनेंस को खत्म हो चुका था, कांग्रेस का डिक्लाइन हो चुका था, नेशनल फ्रंट की सरकार बन गई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक याद है कि व्हाट इज अलायंस पॉलिटिक्स, थी क्या आपकी ये अलायंस पॉलिटिक्स बच्चों? सो नेक्स्ट टॉपिक इज अलायंस पॉलिटिक्स। यार आप लोग सोचते होगे कि अलायंस ना तब बनते हैं जब एक सोच के लोग एक साथ में आते हैं, बट पॉलिटिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। पॉलिटिक्स में अलायंस तब बनते हैं
जब एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि भाई सीट पक्का मिलेगी, ये सीट पे अगर अलायंस किया है तो मिलेगी मिलेगी, जीत पक्का होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, आज की बात करते हैं, देखो बीजेपी की जो विचारधारा रही है शुरू से, जो स्टार्टिंग में थी वो हिंदुत्व की थी, ठीक है ना। लेकिन उस विचारधारा के खिलाफ बहुत से लोग थे कि नहीं, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी पसंद नहीं हमको। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देख लो कि मोस्टली पार्टीज भाजपा के साथ रहती हैं, उसके अलायंस में। क्यों रहती हैं? बिकॉज पावर के लिए। तो अलायंस पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि अलायंसेस फॉर्म कैसे होते हैं, अलायंसेस की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, कैसे आपका कहते हैं ना वो जोड़ तोड़ करना, प्लस माइनस करना, कैसे आपके एमबीस को एमएलएस को जोड़ तोड़ करके जो है वो सरकार बनाई जाती है, आपको यहाँ पे ये पढ़ना है। सो अगर हम लोग बात करें, क्या कह रहे हैं, अलायंस पॉलिटिक्स में द 1990s, अगर हम 1990 की बात करते हैं, सो इमर्जेंस ऑफ पावरफुल पार्टीज, इस बेटा पीरियड में बहुत सारी पावरफुल पार्टीज का जो है वो आगमन हुआ था आपके यहाँ पे, ठीक है। एंड मोमेंट डेट रिप्रेजेंटेड द दलित एंड ओबीसी, ये जो पार्टीज थी ना आपकी, ये जो पार्टीज थी आपकी 1990s के अंदर, इन पार्टीज का जो मेन फोकस था वो किस पर था, वो था आपका दलित के ऊपर, और वो था आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स के ऊपर, उनके क्लेम्स के ऊपर आपका ये। सो दिस पार्टीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनाइटेड फ्रंट डैट केम टू पावर इन 1996। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज दलित और ओबीसी की बात करती थी, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनाइटेड फ्रंट के जीत के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब सवाल आता है कि ये यूनाइटेड फ्रंट क्या था। तो जैसे बच्चों 1989 में नेशनल फ्रंट नाम से एक अलायंस आया था, वैसे बेटा 1996 में एक यूनाइटेड फ्रंट नाम से अलायंस आया था। 1989 में बीजेपी और लेफ्ट ने सपोर्ट किया था नेशनल फ्रंट को ताकि कांग्रेस बाहर रहे, और इस बार उल्टा हुआ था। इस बार ये हुआ था कि इस फ्रंट को, इस अलायंस को कांग्रेस ने और लेफ्ट ने सपोर्ट किया था ताकि बीजेपी बाहर हो जाए, बीजेपी सरकार ना बना सके। दिस शोज कि अलायंसिस का कितना बड़ा रोल था उस समय, किस तरीके से गुणा जोड़ करके सरकारें बन रही थी और टूट रही थी, ठीक है ना, कितनी इंस्टेबल वहां की थी आपकी कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ सर। लेकिन इस इलेक्शन में जो थी ना भाजपा, वो एक लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनकर आई थी 1996 में। और इस भाजपा को बुलाया भी गया था, क्यों बुलाया गया था, सरकार फॉर्म करने के लिए। लेकिन लेकिन उस समय भाजपा की आइडियोलॉजी को बहुत से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, वही कहने इसमें, बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज्ड टू इट्स पॉलिसीज, जो इसकी पॉलिसीज थी, जो भाजपा की सोच थी, उस के खिलाफ बहुत लोग थे, इवन आज भी खिलाफ हैं बहुत पॉलिटिकल पार्टीज। बट भाजपा एक टॉप मोस्ट पार्टी है, उसके पास जीत की गारंटी होती होती है, इसीलिए उस पर लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। बट 1996 के बाद में हुआ क्या हुआ, ये द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर मेजोरिटी, ठीक है ना। 1996 के अंदर भाजपा को मेजोरिटी नहीं मिलती है लोकसभा के अंदर, लेकिन आगे चलकर 1998 से, जून मई 1998 से लेकर जून 1999 तक आपका भाजपा जो है वो एक एनडीए नाम के अलायंस बना के, एनडीए के नाम से जो है वो चुनाव लड़ती है और वो जीतती है और उनकी सरकार बनती है। फिर दोबारा अक्टूबर 1999 से 2004 तक दोबारा बीजेपी एक अलायंस के रूप में चुनाव लड़ती है और वो चुनाव जीतती है। दोनों ही बेटा मौकों पे अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बनते हैं आपके भाजपा के, और इसी को बेटा बोला जाता है आपका NDA 1 और NDA 2, यानी कि पहला कार्यकाल बीजेपी का और दूसरा कार्यकाल बीजेपी का। अब आप ये बोलोगे कि सर ये NDA और NDA 1 NDA 2 क्या है। देखो 1989 के बाद मैंने कहा था इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि बहुत सारी पार्टीज आ गई थी। तो जब बहुत सारी पार्टीज आ गई थी तो बेटा किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी, इसलिए बहुत सी पार्टीज ने अलायंसेस फॉर्म कर लिए, जैसे आपका नेशनल फ्रंट हो गया, जैसे आपका ये वाला फ्रंट हो गया। तो वैसे ही बीजेपी ने एक फ्रंट बनाया था, बीजेपी ने भी एक अलायंस फॉर्म, जिसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि NDA। सो 1989 के बाद हमारे
इंडिया में आपका कोलिशन गवर्नमेंट का एक ट्रेंड शुरू हो गया था, ठीक है। तो कांग्रेस बीजेपी ने क्या बनाया, एनडीए बनाया, और ये चीज़ सबके लिए थी कि बेटा किसी एक पार्टी को अब मेजोरिटी नहीं मिलती। तो क्या हुआ, तो भाई अब इस बात को कांग्रेस ने समझ लिया, और कांग्रेस ने क्या बनाया, कांग्रेस ने बनाया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये था आपका बीजेपी का, ये था आपका कांग्रेस का, ठीक है। तो 1989 से लेके 2014 तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है बेटा। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा पार्ट नंबर वन है। अब हम लोग जो पार्ट नंबर टू करेंगे, उस पार्ट नंबर टू में हम लोग एनडीए 3 और एनडीए 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा हो चुका है, समझ चुके हम लोग कि भाजपा 1996 के अंदर बिगेस्ट पार्टी थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। उसने कब सरकार बनाई थी, सरकार उसने बनाई थी पहली बार ये, दूसरी बार ये, और उसके बाद, इसके बाद तो 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट यानी कि बेटा कांग्रेस गवर्नमेंट रही थी, ठीक है ना। 2004 से लेके 14 तक कौन थी, कांग्रेस यानी कि यूपीए गवर्नमेंट। अब उसके बाद 2014 से लेके आज तक कौन सी गवर्नमेंट है, यानी कि एनडीए 3 और एनडीए बेटा 4 पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे। आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपने एक एक क्वेश्चन को तरीके से पढ़ा हो। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब समझने वाली बातें हैं। पार्ट नंबर 2 जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि CBSE के सैम्पल पेपर में इस NDA 3 और 4 से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं आपको वीडियोस हमारी कैसी लग रही है, और व्हाइट बोर्ड सीरीज़ बहुत जल्द हम लोग कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच।